हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ लेसन नंबर 16, हेरिडिटी एंड वेरिएशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स? जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑकरिंग ड्यू टू एबनॉर्मिलिटीज इन क्रोमोजोम्स एंड म्यूटेशन इन जीन. क्रोमोजोमल एबनॉर्मिलिटीज इंक्लूड आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर एंड डिलेशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ क्रोमोजोम. क्रोमोजोम नंबर कम हो जाता है या फिर क्रोमोजोम क्या होता है, नंबर इंक्रीज होता है, या फिर कुछ पार्ट जो है क्रोमोजोम का वो क्या होता है, ट्रांसलोकेट होता है, और उसके कारण क्या होता है, एबनॉर्मिलिटीज इन द क्रोमोजोम. एग्जाम्पल्स आर लेफ्ट लीफ अल्बिनिज्म एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया. If we take into account the number of chromosomes in human cell, their sex related types, the types of genes on the chromosomes are dominant and recessive. So we can see where genetic disorders originate and how they are inherited. See the diagram 16.8. Here human karyotype, mean chromosomes chart of human is given and all the chromosomes are arranged in a pair. This is chromosome number 1, then 2nd, 3rd, 4th, 5th. So in this way chromosomes are arranged. And last pair, that is 23rd pair, is of sex chromosome. And other chromosomes are autosomes. So we discuss about the disorders due to chromosomal abnormalities. So following are the disorders that occur due to numerical change in chromosome. So first disease we discuss, that is the Down syndrome. And chromosomal इसमें जो chromosomes रहते हैं वो कितने रहते हैं, 46 plus 1, and it is also called as the trisomy of 21st chromosome. Now why that syndrome is called as Down syndrome? Because it was first noticed by the Langdon Down in the year 1866. डाउन सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर्स अराइजिंग ड्यू टू क्रोमोजोमल एबनॉर्मिलिटीज. तो ये जो सिंड्रोम है इसके कारण होता है, क्रोमोजोम में एबनॉर्मिलिटीज होने के कारण. तो इसमें क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बींग. सो दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ 47 क्रोमोजोम. इसमें 47 क्रोमोजोम्स रहते हैं और इसमें जो 21st क्रोमोजोम है, ठीक है, तो उसमें एक क्रोमोजोम क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, और उसके कारण टोटल जो क्रोमोजोम नंबर है वो कितना है, 47 इंस्टेड ऑफ 46. सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस सिंड्रोम? चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम आर यूजुअली मेंटली रिटार्डेड एंड हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन. यानी ये जो चिल्ड्रंस में ये डिसीज होता है उसमें मेंटली रिटार्डेशन रहता है और लाइफ स्पेन भी उनका क्या रहता है, कम रहता है. मेंटल रिटार्डेशन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ये जो बच्चे रहते हैं वो क्या रहते हैं, मति मंद रहते हैं. अदर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्ट हाइट, शॉर्ट वाइड नेक, फ्लैट नोज, शॉर्ट फिंगर्स, स्कैंटी हेयर्स. स्कैंटी हेयर्स मीन्स वेरी लेस स्मॉल एंड ड्राई हेयर्स. सिंगल हॉरिजेंटल क्रीज ऑन पाम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अबाउट 16 to 20 years. See here the picture of child with Down syndrome. 16.9. Here is the child with the Down syndrome. Then second is the Turner syndrome. It is called as the monosomy of X chromosome. As with autosome, abnormalities in sex chromosomes also causes some disorders. जैसे autosome में एबनॉर्मिलिटीज होने के कारण क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उसी तरह सेक्स क्रोमोजोम में अगर एबनॉर्मिलिटीज है तो क्या हो सकता है, डिसऑर्डर्स हो सकता है. टर्नर सिंड्रोम इसमें अराइजेस, ये किसके कारण होता है, अराइजेस ड्यू टू आइदर इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन क्रोमोजोम फ्रॉम पेरेंट और ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ द जेंडर रिलेटेड पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोजोम. सो इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल 44 plus XX कंडीशन, वुमन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम शोज 44 plus X. यानी इसमें एक जो सेक्स क्रोमोजोम है वो क्या रहता है, कम रहता है. और ये जो सिंड्रोम है ये किस में रहता है, इन द फीमेल. सच ए वीमेन आर स्टराइल, अनेबल टू हैव अ चिल्ड्रन ड्यू टू इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन.
देन थर्ड सिंड्रोम इज कॉल्ड एज द क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। हियर इसमें जो क्रोमोजोम्स है वो क्या रहते हैं, 44 प्लस XXY। दिस डिसऑर्डर्स अराइजेस इन मेन ड्यू टू एबनॉर्मिलिटीज इन सेक्स क्रोमोजोम, क्योंकि इसमें एक जो क्रोमोजोम है वो क्या रहता है, एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा रहता है। सो इन दिस डिसऑर्डर्स मेन हैव वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम, हेंस देयर क्रोमोजोमल कंडीशन बिकम्स 44 प्लस XXY। और ये जो मेन रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेक्सुअली स्टराइल, बिकॉज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट वेल डेवलप। देन वी डिस्कस द डिसीजेस ऑकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, सो दिस इज कॉल्ड एज द मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। सो वॉट आर द एग्जाम्पल्स, दैट इज फिनेल किटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, टे सैक डिसीज, हंटिंगन डिसीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एनीमिया, अल्बिनिज्म, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोजेनिक डिसऑर्डर। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द अल्बिनिज्म। द पर्सन हैविंग अल्बिनिज्म आर कॉल्ड एज अल्बिनो पर्सन, एंड दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। वी नो दैट अवर आईज, स्किन एंड हेयर हैव कलर ड्यू टू द ब्राउन पिगमेंट मेलानिन, यानी हमारे आईज में या हेयर्स, हमारी स्किन जो है उसको क्या रहता है, कलर रहता है, और ये किसके कारण रहता है, ड्यू टू द पिगमेंट मेलानिन। सो इन दिस डिसीज द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस मेलानिन, तो इसमें क्या होता है, बॉडी जो पिगमेंट है मेलानिन वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसके कारण क्या होगा, स्किन बिकम्स पेल, हेयर्स व्हाइट रहते हैं, और आईज जो है यूजुअली पिंक रहते हैं ड्यू टू अब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन द रेटिना एंड स्क्लेरा। देन नेक्स्ट डिसीज दैट इज द सिकल सेल एनीमिया, सो इवन माइनर चेंजेस इन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए मे लीड टू डिसीजेस और डिसऑर्डर्स। तो इसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो रहता है उसमें क्या रहता है, ग्लूटामिक एसिड एज द सिक्स्थ अमाइनो एसिड इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी अगर हम हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें सिक्स्थ नंबर पे जो अमाइनो एसिड रहता है वो कौन सा रहता है, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन क्या होता है, इफ इट इज रिप्लेस बाय वैलिन, यानी उसके जगह अगर वैलिन आता है तो शेप और स्ट्रक्चर जो है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड ड्यू टू दिस इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स विच आर नॉर्मली बाय कॉन्क्यो, तो उनका शेप क्या हो जाता है, सिकल शेप से, यानी जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है उनका शेप क्या रहता है, बाय कॉन्क्यो रहता है, लेकिन ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, चेंज इन द शेप ऑफ हीमोग्लोबिन, इसका जो शेप है वो क्या हो जाता है, सिकल सेल हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया, और उसके कारण क्या होता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की इन सच इंडिविजुअल वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। सो क्लम्पिंग एंड देयर बाय, इसमें क्या होता है, क्लम्पिंग एंड देयर बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स ऑकर मोस्ट ऑफन, इसके कारण इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, एज अ रिजल्ट ब्लड वेसल्स और जो ऑब्स्ट्रक्टेड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे ब्रेन, लंग्स, किडनीज जो है ये क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया ये क्या है, हेरिडिटरी डिसीज है, और ये किसके कारण होता है, ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन द जीन्स ड्यूरिंग कंसेप्शन। इफ द फादर एंड मदर आर बोथ अफेक्टेड बाय सिकल सेल एनीमिया, अगर दोनों भी क्या है, अफेक्टेड बाय सिकल सेल एनीमिया, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग है तो वो क्या हो सकते हैं, सफर फ्रॉम दिस डिसीज। और इसके कारण जो मैरिजेस है बिटवीन द पर्सन हु आर कैरियर और सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, तो क्या करना चाहिए, ऐसे मैरिजेस को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय सिकल सेल एनीमिया, एक तो सिकल सेल एनीमिया कैरियर जिसे शॉर्ट में हम AS कहेंगे, उसमें जो जीन्स रहता है, और दूसरा है सफरर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, दैट इज द SS। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया, तो स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, हाथ और पैरों पे सूजन आती है, जॉइंट्स में पेन होता है, सीवर, जनरल बॉडी एक फ्रिक्वेंट कोल्ड एंड कफ, हमेशा उस व्यक्ति को कोल्ड रहेगा, कफ रहेगा, फीवर रहेगा, लो ग्रेड फीवर, एग्जॉस्टन, वो जल्दी थक जाएगा, उसका जो फेस है वो कैसे दिखेगा, पेल फेस, निस्तेज जिसे कहते हैं हम, और हीमोग्लोबिन कंटेंट भी क्या रहेगा, लो रहेगा। नाउ सी द चार्ट दैट इज सिकल सेल एनीमिया ऑकरिंग एज फॉलोज, तो इसमें सबसे पहले है सिम्बॉल AA, AA रिफर्स टू व्हाट, दैट इज
नॉर्मल, ठीक है। सेकंड है एस कैरियर एंड यस यस फॉर सफरर। अगर मैन हैविंग नॉर्मल है यानी ए ए है और वुमन क्या है, इट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, तो जो प्रोजेनी है वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। अगर मेन जो है मैन विथ ए ए और ए एस, ठीक है, और वीमेन विथ ए एस और ए, यानी कैरियर है या क्या है, नॉर्मल है, एक नॉर्मल है एक कैरियर है, तो 50% प्रोजेनी जो है वो क्या रहेगी, नॉर्मल रहेंगी, और 50% क्या रहेंगे, कैरियर रहेंगे। इफ़ वन पेरेंट इज़ नॉर्मल एंड वन इज़ कैरियर, यानी दोनों में से अगर एक कैरियर है और एक नॉर्मल है, तो 50% चांसेस ये नॉर्मल ऑफस्प्रिंग के रहेंगे और 50% चांसेस ये कैरियर ऑफस्प्रिंग के रहेंगे। देन थर्ड कंडीशन, दैट इज मैन हैविंग ए ए और एस एस, मीन्स एस एस फॉर सफरर और नॉर्मल एंड एस एस और ए ए वीमेन, तो क्या होगा, ऑल प्रोजेनी विल बी कैरियर। तो अगर इफ वन पेरेंट क्या है, नॉर्मल है और वन क्या है, सफरर है, तो सभी जो प्रोजेनी तैयार होंगे नेक्स्ट जनरेशन में वो क्या रहेंगे, कैरियर, यानी उनमें वो जीन रहेगा जिससे क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। देन नेक्स्ट, इफ मैन हैविंग एयर्स एंड वुमन हैविंग एयर्स, यानी दोनों भी क्या है, कैरियर है, तो उसमें 25% प्रोजेनी नॉर्मल रहेंगी, 25% सफरर रहेंगे और 50% क्या रहेंगे, कैरियर, इफ बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर। देन एयर्स और यस यस, मैन और वीमेन में अगर यस एस और एयर्स है, तो 50% प्रोजेनी क्या रहेंगी, कैरियर, और 50% सफरर इफ वन पेरेंट इज कैरियर एंड वन इज सफरर, यानी दोनों में से अगर एक पेरेंट कैरियर है और एक क्या है, सफरर है, तो 50% प्रोजेनी कैरियर रहेंगी और 50% क्या रहेंगे, सफरर, सफरर यानी उनमें वो डिसीज होगा या आएंगा। देन लास्ट, इफ बोथ द पेरेंट्स आर सफरर, ठीक है, तो ऑल प्रोजेनी क्या रहेंगी, सफरर, इफ द बोथ पेरेंट्स आर सफरर, यानी दोनों भी अगर सफरर है, यानी दोनों को भी सिकल सेल एनीमिया है, तो उनसे जो नेक्स्ट जनरेशन तैयार होगी तो उसमें भी क्या होगा, दैट प्रोजेनी हैविंग द सिकल सेल एनीमिया। सो व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया? सो अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम, द सोल्युबिलिटी टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज अवेलेबल एट ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिकल सेल एनीमिया की टेस्ट है, उसे सोल्युबिलिटी टेस्ट कहते हैं। द कन्फर्मेटरी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इज परफॉर्म एट रूरल एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रेमेडीज। तो ये जो डिसीज है ये किसके थ्रू स्प्रेड होता है, ओनली थ्रू द रिप्रोडक्शन, हेंस हस्बैंड एंड वाइफ शुड गेट देयर ब्लड एग्जामिन्ड आइदर बिफोर मैरिज और आफ्टर इट। अ कैरियर और सफरर शुड अवॉइड मैरिज विथ अनदर कैरियर और सफरर। एंड थर्ड, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया शुड टेक अ टैबलेट ऑफ फॉलिक एसिड डेली। सो बाय फॉलोइंग दिस वी कैन प्रिवेंट, और वी कैन, हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया।